हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नाजिम क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी, कमेंट में बताइएगा कि तैयारी आपकी किस तरीके से चल रही है, कहाँ कहाँ आपको रुकावटें आ रही हैं और क्या दिक्कत आपको हो रही है। देखिए, हमारा आज का याद करना है हमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जीवन परिचय है उसको इसी वीडियो में। तो सबसे पहले उसके लिए आप समझेंगे थोड़ा सा। देखिए, इसी तरीके से आपको अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये 100% आना है, पहली बात तो बिल्कुल ही 100% पूछा जाना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, तो आज आप इसको नोट कर लें कि हाँ, ये हमारी बोर्ड परीक्षा 2021 में आना है। अब देखिए, हम इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए लिखने का तरीका, उसके बाद कराते हैं आपके याद। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सबसे ऊपर डाल देंगे, उसके बाद इस साइड से आप डालेंगे जन्म स्थान या पता, पिता का नाम, शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, उपाधि क्या क्या इन्हें मिली हुई है, मृत्यु, ठीक है, इतना ही आपको लिखना है। और रचनाएं, एक हेडिंग आप और इसमें ऐड करेंगे, रचना, ठीक। अब देखिए, एक चैप्टर आपको पता होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो आप पढ़ भी रहे होंगे, तैयार भी कर रहे होंगे, अशोक के फूल। अशोक के फूल, इस ट्रिक को मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, अशोक के फूल, अशोक का जो वृक्ष होता है और उस पर जो फूल आता है वो कितने साल में आता है, वो आता है 72 साल में। कितने साल में? 72 साल में अशोक के जो वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है, उस पर फूल आता है 72 साल में, और वो आपका जो है हज़ारों में बिकता है, वो आपका हज़ारों में बिकता है। इतना सा आप याद रखें 2 मिनट के लिए। अशोक के वृक्ष पर जो फूल आता है वो 72 साल में आता है और वो हज़ारों में बिकता है, ठीक। अब देखिएगा, इनका जो जन्म है वो आपको केवल याद करना पड़ेगा 1907, उसके बाद आप उसमें 72 ऐड कर देंगे, यानी 72 जो अभी हमने याद किया कि अशोक के जो वृक्ष होता है उस पर फूल आता है 72 साल में, तो उसकी जो आपकी है मृत्यु, इनकी याद हो जाएगी आपके यहीं के यहीं, यानी 1907 में आप ऐड कर देंगे 72, तो आपका आ जाएगा 1979। देखिए, एक तो ये तरीका है, बाकी आप अभी तक तो रट रहे हैं ही, बाकी आप अभी तक रट तो रहे हैं, तो 1907 में आप 72 ऐड कर देंगे। और अशोक के फूल से हमें अभी याद हो गया कि अशोक के फूल चैप्टर का नाम, और इनका जो है लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे, आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। अब देखिए, पता बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में, मतलब बलिया जो है जिला है इनका बलिया, और दूबे के छपरा ग्राम में, ये आप याद करेंगे। इसको अगर आपने याद कर लिया तो पिता का नाम इनके बहुत आसानी से याद होने वाला है। पिता का नाम है पंडित अनमोल दुबे, दुबे यहाँ पर भी आ गया हमारा, दुबे के छपरा ग्राम में, और इनके पिता का नाम भी पंडित अनमोल दुबे। दुबे आप अनमोल दुबे भी लिख देंगे तो जब भी आपके नंबर कटने वाले नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी है। और बात आती है इनकी शिक्षा की, संस्कृति और ज्योतिष ये थे, संस्कृति और ज्योतिष इन्होंने सीखी थी। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, इनके नाम में लग रहा है द्विवेदी और आचार्य हैं, तो संस्कृत और ज्योतिषीय सीखेंगे। अब आती है उपाधि की बात, तो काशी हिंदी विश्वविद्यालय से इनको उपाधि मिली है, और बहुत ही ये अहम उपाधि होती है। उसके बाद आप इनकी रचनाएं जो इम्पोर्टेंट है, एक तो अभी आपने याद कर ही ली, क्या? अशोक के फूल। अशोक के फूल सबसे पहले तो एक ये हो गई, उसके बाद आपकी एक विचार प्रवाह है इनकी, और विचार और वृत्तक है इनकी, कल्पता है इनकी, सूरदास है इनके आलोचक, तो आप इसमें ये याद कर सकते हैं। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। देखिए, आसान तरीका है ये, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, और ये जीवन परिचय पूछा जाना है 100%। आप जब बोर्ड में देखेंगे तो नाजिम क्लासेस का नाम ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप जीवन परिचय देखिए, आप दोबारा हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। इतना सब कुछ लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे, उसमें आप लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे नामक छपरा ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे था। इसी तरीके से इन्हीं चीज़ों को आपको दोबारा लिखना है, और इनकी रचनाओं का आप खास करके ध्यान रखिए। रचनाएं आपको जरूर याद करनी है, एक तो मैंने आपके अभी याद करा दी, दो आप और याद कर लें, आपका एक भी नंबर यहां से फिर कटने वाला नहीं है। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी, तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।